वेलकम यू टू 32 थ्री डेंटिस्ट्री। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ मैंडिबल। हम जब भी कोई बोन पड़े, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास बोन सेट हो। मैंने ये बोन बनाया है कार्डबोर्ड से। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे बनाया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंडिबल है ये फर्स्ट पैरेंजियल आर्च से डेवलप हुआ है, ओके, और इसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं बॉडी, बाकी का ये रैमस होता है, ओके। अब हम पहले देखेंगे मैंडिबल का बॉडी, फिर हम रैमस को डिस्कस करेंगे। जो हमारी बॉडी है मैंडिबल की, वो उसे दो बॉर्डर्स और दो सर्फेसेस है। ये है उसका एक्सटर्नल सर्फेस, ये है उसका इंटरनल सर्फेस, ये है उसका अपर बॉर्डर, ये है उसका लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर को हम एल्वियोलर बॉर्डर भी कहते हैं। अब देखिए, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि मैंडिबल टू हाफ्स में डेवलप हुआ है और वो मिड लाइन में आके फ्यूज होता है, जिसे सिम्फाइसिस मेंटाई कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक ट्राइंगुलर प्रोट्यूबरेंस देखेंगे। इस प्रोट्यूबरेंस को कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। इसके लैटरली दो छोटे छोटे ट्यूबरकल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं मेंटल ट्यूबरकल। और इन मेंटल ट्यूबरकल पे आपको मेंटालिस मसल का अटैचमेंट दिखेगा, एंड आपको मेंटालिस के थोड़ा नीचे में आपको ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल का अटैचमेंट दिखेगा। और ऑर्बिक्युलरिस ओरिस में मेनली जो उसके मेंटल स्लिप्स होते हैं ऑर्बिक्युलरिस ओरिस के, उनका अटैचमेंट होता है। अब जब आप थोड़ा पीछे आएंगे तो दो फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर का जो इंटरवल है, उससे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ हमें मिलता है मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन से आते हैं मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स। अब देखिए, जो हमारा मेंटल ट्यूबरकल है उसके लैटरली एंड मेंटल फोरामेन के थोड़ा सा नीचे से एक बोनी रिज ऑब्लिकली रन करती है अपवर्ड्स, वो भी थर्ड मोलर तक। इसे हम कहते हैं ऑब्लिक लाइन और ऑब्लिक रिज। अब ऑब्लिक रिज के एंटीरियर पोर्शन में ऑब्लिक रिज जो है मसल, दो मसल्स को अटैचमेंट देती है। तो वो पहली जो मसल को अटैचमेंट देती है वो है डिप्रेसर लेबाय इन्फीरियोरिस, फिर जो दूसरी है वो है डिप्रेसर एंगुलाय ओरिस। फिर जब हम पोस्टीरियर, जब हम इसका पोस्टीरियर पार्ट देखते हैं ऑब्लिक रिज का, तो वो वहाँ पे मसल अटैचमेंट देती है बक्सीनेटर मसल को। बक्सीनेटर यहाँ से अटैच होती है और थर्ड मोलर तक जाती है। अब जब हम बक्सीनेटर के पोस्टीरियर पोस्टेरो इन्फीरियर पार्ट में देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी टॉर्शियस फेशियल आर्टरी एंड मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। आप आपकी फेशियल आर्टरी पालपेट कर सकते हो एंटरोलैटरली मैसेटर मसल के, थोड़ा मैसेटर मसल के एंटरोलैटरली आप पालपेट कर सकते हो अपनी फेशियल आर्टरी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका इंटरनल सर्फेस। देखेंगे इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट में सिम्फाइसिस मेंटाई के पीछे होते हैं चार स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कि जीनियल ट्यूबरकल कहते हैं। ये चार होते हैं, दो दो मिड लाइन के दोनों तरफ होते हैं बायलैटरली। अब जो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स है वो अटैचमेंट देते हैं जीनियोग्लॉसिस मसल को, और जो इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल है वो अटैचमेंट देते हैं जीनियोहाइवॉइड मसल को। अब देखिए, यहाँ पे जो मिड लाइन है यहाँ से लेके एक ऑब्लिकली एक लाइन जाती है थर्ड मोलर तक, ओके। ये लाइन का नाम है माइलोहायोइड लाइन। ये माइलोहायोइड मसल को अटैचमेंट देती है। अब माइलोहायोइड लाइन के जब अबव देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है सबलिंगुअल फोसा। ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को हाउस करता है। और जब हम इसके बिलो देखेंगे माइलोहायोइड लाइन के, तो यहाँ पे है सब मैंडिबुलर फोसा। ये सुपरफिशियल पार्ट जो होता है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड का, उसे हाउस करता है। अब देखिए, ये जो एंड पार्ट है हमारी माइलोहायोइड लाइन का, यहाँ से सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का अटैचमेंट होता है, वो यहाँ तक थर्ड मोलर के पीछे तक जाती है। अब देखिए, ये जो थर्ड मोलर के पीछे एक स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है टेरिगो मैंडिबुलर रैफे। टेरिगो मैंडिबुलर रैफे बनता है इंटरलैशमेंट से
वो भी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का जो कि इंटरनली आती है एंड बक्सिनेटर का जो कि बक्कली आती है। इन मसल्स के इंटरलैशमेंट से बनता है टेरिकोमैंडिबुलर रैफे। फिर फ्रेंड्स देखते हैं माइलोहाइड लाइन के लोअर एंड से, एंड यहाँ पे एक एक्चुअली ये जो मैंने लाइन बनाया है ये मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर रही हूँ बोनी प्रोमिनेंस। यहाँ पे हल्का बोनी प्रोमिनेंस रहता है इस बोनी प्रोमिनेंस के बिलो, एंड जो माइलोहाइड लाइन है उसके लोअर एंड एंड इनके बीच में लिंगुअल नर्व पास होती है जो कि म्यूकोपेरियोस्टियम से कवर्ड होती है। अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा इंटरनल सरफेस का डिस्कशन। अब हम देखेंगे अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर में हम उसको एल्वेलर बॉर्डर भी कहते हैं। अपर बॉर्डर में हमें गम्फोसिस टाइप का अटैचमेंट दिखता है और यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट इसलिए है क्योंकि जो एल्वेलर सॉकेट में टूथ लॉज रहते हैं वो पीडीएल की हेल्प से लॉज रहते हैं, इसलिए वो फाइब्रस टाइप का जॉइंट है एंड उसे गम्फोसिस टाइप का अटैचमेंट कहते हैं। जब हम लोअर बॉर्डर देखेंगे तो लोअर बॉर्डर के जो पूरा एंटायर ये सरफेस है यहाँ पे इन्वेस्टिंग लेयर रहती है डीप सर्वाइकल फेशिया की, एंड उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है प्लैटिज्मा मसल रहती है। एंड जब इसका एंटायर एंटीरियर पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड बेंड करके फोस यहाँ पे ऐसे डिप्रेशंस बनाए हैं, ये आप देख सकते हो। ये ऐसे मैंडिबल में डाइगैस्ट्रिक फोसाज होते हैं। ये डाइगैस्ट्रिक फोसा अटैचमेंट देते हैं एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल को। हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ रह गई थी एक्सटर्नल सरफेस का आपका बताने के लिए। ये जो इंसाइजर्स होते हैं और मेंटल प्रोट्यूबरेंस होता है इनके बीच में यहाँ बायलैटरली मिडलाइन के बायलैटरली डिप्रेशन होते हैं, इन्हें इंसिसिव फोसा कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे रैमस। रैमस के चार बॉर्डर्स होते हैं। ये है उसका अपर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, ये उसका है लोअर बॉर्डर। ओके उसके दो सर्फेसेस होते हैं, ये है लैटरल सर्फेस, ये है उसका मीडियल सरफेस, एंड इसके दो प्रोसेसेस होते हैं रैमस को, ये है कोरोनॉइड एंड कॉन्डाइल। चलिए फ्रेंड्स हम पहले इसके बॉर्डर्स डिस्कस करते हैं। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो थिन होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर स्मूद एंड थिक होता है, और ये रिलेशन में रहता है पैरोटिड ग्लैंड के। जो लोअर बॉर्डर है ये कंटिन्यूस रहता है बॉडी के साथ, रैमस की बॉडी के साथ, और बेस बनाता है। एंड जो एंगल बनता है पोस्टीरियर बॉर्डर एंड बेस का मिला के, तो ये यहाँ पे बनता है, ये जंक्शन पे बनता है हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल। जो अपर बॉर्डर है तो ये है मैंडिबुलर नॉच, इसमें मैसेट्रिक नर्व्स एंड वेसल्स रहती है। ओके अब हम बात करेंगे कोरोनॉइड एंड कॉन्डाइल की। तो जो कोरोनॉइड है इसके भी दो बॉर्डर्स है, जैसे ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, इसके दो सर्फेसेस है, ये है लैटरल अंदर का है मीडियल, इसका ये पार्ट बोलते हैं एपेक्स, यहाँ पे ये अटैचमेंट देता है टेम्पोरालिस मसल को। अब हम आएंगे हमारे कॉन्डाइल पे। कॉन्डाइल दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पार्ट है हेड रहता है, इसके बाद ये नेक है। जो हेड है ये टीएमजे जॉइंट में बनाने में बहुत मेन रोल प्ले करता है, और ये पूरा फाइब्रस फाइब्रोकार्टिलेज कैप्सूल के अंदर एनक्लोज रहता है। ओके जो हमारा हेड है कॉन्डाइल का ये जाके लॉज होता है टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा में। ओके एंड हेड और फोसा के बीच में हमारे कार्टिलेजेस कार्टिलेजिनस डिस्क रहती है, जो कि जो हमारे टीएमजे की जॉइंट की कैविटी है उसे अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। ओके फिर हमारा आता है नेक। तो ये नेक में आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, मैंने मार्क किया है डार्क पेन से, ये होता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा, जिसमें कि हमारा लैटरल टेरिगोइड का लार्जर हेड को अटैचमेंट मिलता है। ओके अब हम देखेंगे हमारा लैटरल सरफेस। जो लैटरल सरफेस है वो एंटायरली अटैचमेंट देता है मैसेटर मसल को, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ से मैसेटर मसल के अटैचमेंट्स रहते हैं, वो जैगोमेटिक बोन तक जाते हैं। अब हम देखेंगे इसका मीडियल पार्ट। तो देखिए जब हम मीडियन सरफेस देखेंगे तो मीडियन सरफेस में टंग लाइक प्रोजेक्शन रहता है, इस टंग लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं लिंगुएला। लिंगुएला के पीछे में रहता है हमारा मैंडिबुलर फोरामेन,
एंड मैंडिबुलर फोरामेन से जाती है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, नर्व यहाँ से अंदर जाती है मैंडिबुलर कनाल में, फिर यहाँ मेंटल फोरामेन से बाहर आती है और यहाँ मेंटल फोरा मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स सप्लाई करती है इस एरिया में, फिर वहाँ से वो नर्व का एक सेकेंड पार्ट इंसिसिव कैनाल में जाता है डिवाइड होके, वहाँ पे वो इंसिसिव नर्व्स एंड वेसल्स बनते हैं। अब हमारे ये हो गया मैंडिबुलर फोरामेन। अब ये जो है स्ट्रक्चर, ये थोड़ा प्रोट्यूबरेंस रहता है वहाँ पे। इस प्रोट्यूबरेंस के पीछे आपको एक ग्रूव दिखेगा, इसे कहते हैं माइलोहायोइड ग्रूव। ये एक डीप ग्रूफ रहता है जो मैंने डैशेस देके डिपिक्ट किया है। इस ग्रूफ में रहते हैं माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसा है कि जो लिंगुला है वो तो रैमस के मीडियली प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ से ये अटैचमेंट देता है हमारे स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट को, ठीक है। अब जो रैमस है, रैमस के मीडियली और लिंगुला के अबव, एंटेरोमीडियली रैमस के एंड लिंगुला के थोड़ा अबव में, यहाँ इस साइड पे मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट जो है वो डिवाइड होता है इसमें इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी में, एंड दूसरा पार्ट डिवाइड होता है माइलोहायोइड आर्टरी में। अब देखिए, जब हम रैमस के पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे अटैचमेंट होता है मीडियल टेरिकॉइड मसल का। ओके, अब हम देखेंगे कि जैसे मैंडिबल में एक चेंजेस होते हैं, जैसे अब ये समझ लीजिए मैंने यहाँ पे डेंटिशन बनाया है, तो जो हमारा अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर है इसके बीचों बीच में हमारा मेंटल फोरामेन है। बट जैसे ये समझ लीजिए अगर ये काफ़ी जियाट्रिक पेशेंट का रहता है, यानी ओल्ड एज पेशेंट का रहता, सारे दांत चले जाते और यहाँ पे रिजॉर्प्शन होता बोन का, तो ये जो लेवल है अपर बॉर्डर का, ये जो है ये एकदम हमारे मेंटल फोरामेन के पास आ जाता। ओके, इस तरह इसमें एज चेंजेस होते हैं, और अगर ये इन्फेंट का रहता तो मेंटल फोरामेन काफ़ी नीचे होता हमारे बेस की तरफ।